आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ सुरक्षित सुखी एवं समृद्ध रहे, यही प्रार्थना के साथ। कल हम देख रहे थे कि कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तेरे भावनाओं पर संयम रख, अगर तू दुखी होगा, विषाद करेगा कि मेरे रिश्ते मरेंगे, मेरे रिश्ते मेरे हाथों से मरेंगे, मैं हत्यारा हो जाऊंगा, जब भावना पर विजयी पाएगा तो तेरे विजय को भी तू निश्चित करेगा, क्योंकि अब तेरे सामने भावना या कर्तव्य, ये दोनों को अगर पलड़े में रखेगा तो कर्तव्य तेरे हाथ से कर्म मांग रहा है और भावना तेरे हाथ से विदाई मांग रही है। इसलिए भावनाओं को विदाई दे और कर्तव्यों को कर्म दे। भगवान कृष्ण इमोशनल इंटेलिजेंस को शुरू करने वाले प्रथम व्यक्ति बने। इमोशन यानी भावना, इंटेलिजेंस यानी उसको कैसे संभाले, ये विवेक, किस समय किस भावना को किस जगह कैसे व्यक्त करें, ये अगर सही ढंग से समझ ले तो अनपढ़ हो तो भी सफल है, अगर ये नहीं समझा और अगर कोई उसको विभिन्न प्रकार से कोई भावना कंट्रोल में नहीं होने की व्यवस्था बनी तो निश्चित वो कहीं ना कहीं दुनिया से नफरत कमाता है, द्वेष कमाता है, लोग उससे दूर होते हैं और फिर बाद में वो असफल होकर के दुखी होता है। आज कहीं भी जाओ, आदमी लड़ाई को अपना अस्त्र मानता है, लेकिन अगर आप भावना को कंट्रोल में रखने वाले व्यक्तियों को देखोगे तो वो निश्चित सफल व्यक्तियों के श्रेणी में आएंगे। जिन लोगों ने भावना को कंट्रोल किया वो लोग सदा सफल व्यक्ति होते हैं। आज कंपनियों में देखोगे, बड़े बड़े कंपनी में इंटरव्यू का जो टेक्निक है वो बदल गया है। पहले जमाने में इंटरव्यू होता था तो आप क्या पढ़े हुए हो, पहला सवाल होता, तो वो शुरू करता, मैं 10वीं पढ़ा हूँ, फिर 12वीं किया, फिर ये बीए किया, फिर बीकॉम किया, फिर एमबीए किया, तो फिर पूछा जाता था उसमें कितना परसेंटेज लाए, इसमें 60, उसमें 70, इसमें 65, इसमें 75, ऐसे। फिर उसको पूछा जाता था स्पोर्ट्स में भी कुछ इंटरेस्ट लिया या नहीं, उसका कोई सर्टिफिकेट हो तो दिखाओ, तो वो दिखाता, फुटबॉल में ये सर्टिफिकेट मिला, वॉलीबॉल में ये मेडल मिला, फिर उस सब को देख के हाँ ये आदमी होशियार है, ये समझदार है, इसको रखना चाहिए। 2000 तक ऐसे ही दुनिया को चलाया जाता था, जब तक दुनिया में मल्टीनेशनल कंपनीज हर जगह जाके स्थान नहीं पाई। जब से ये बड़ी बड़ी कंपनियां आई, कॉल सेंटर के रूप में समझो या किसी भी बाने समझो, एक एक जगह पर 5-5 से 10-10 हजार लोग काम करने लगे, एक बड़ा सा भीड़ किसी के नीचे काम करने लगा। तब जब पहले भी बड़ा भीड़ था तो कभी भीलवाड़ा में एक विमल शूटिंग का, कहीं एक रायमंड के मिल का, कहीं कोई कोई बड़े दो जो होते थे काम, शुगर मिल का, ऐसे मिलों में बड़े लोग काम करते थे। अधिकतर ऑफिस होते, ऑफिस में अलग अलग सेक्शन होते, उसमें काम करने वालों की होशियारी की मापदंड से उनको काम दिया जाता था। अब जब ये बड़ी बड़ी कंपनियां धरती में हर जगह पांव फैलाने लगी, भारत में पहुंची और दुनिया भर में पहुंची, तो एक शोध होने लगा कि ये होशियार आदमी बहुत पढ़ा हुआ होशियार तो है, लेकिन अपने नीचे काम करने वालों को इज्जत नहीं दे रहा, सम्मान नहीं दे रहा, उनसे काम करने का तरीका इसको नहीं आ रहा, ये इतना होशियार आदमी है लेकिन इसके तरीकों की कमी के कारण नीचे वाले लोग अपनी पूरी क्षमता दिखा नहीं पा रहे, इसके और उनके बीच का जो मतभेद और मनभेद है, ये मतभेद और मनभेद कंपनी के नफे में बहुत बड़ा परेशानी ला रहा है। इसलिए लोगों ने सोचा कि ऐसा होता है तो अब क्या करना चाहिए। फिर बाद में समझ आया कि बुद्धि की समझदारी से ज्यादा जरूरत है भावनाओं को संयमित करना, और जितने बड़े पद पर जाते हैं उतना ही धीरे धीरे मैं बड़ा हूं, मुझे तू क्या बोलता मेरा सुन, ऐसे कहने की आदत पड़ जाती, और बड़े पदों पर विनय विवेक के साथ जो भी रहते हैं वो बहुत बड़ी भीड़ के नायक बनते पूरी दुनिया में देखे गए हैं। आज भी जितने भी राजनीति या धार्मिक क्षेत्रों में नायक बने हैं और बहुत बड़े भीड़ को अपना बनाए हैं, वो सब लोग भावनाओं को संयमित करके लोगों में अपनी सच्ची ज्ञान से या अपने लक्ष्य से जागृत करने के कारण ही बड़े बने हैं। बाकी लोग कहीं पीछे रह के एकदम जीवन को असफल कर चुके हैं। इस समय याद आता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस कितना इंपॉर्टेंट है भावनाओं को संयमित करना। आजकल बच्चे ही माँ बाप के सामने दो शब्द कह देते हैं, आप ज्यादा मत सुनाओ, मैं सब जानता हूं,
या आप बोलो मत मम्मी मैं सब जानता हूं, मैं सब जानता हूं, घड़ी घड़ी मत बोलो, बोरिंग होता है, ऐसे बच्चे बोलते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है कि मेरे माँ बाप जो बोल रहे हैं उसको प्रेम से सुन लूं तो कोई नुकसान नहीं है, जवाब दूं तो भी वो बोलेंगे, नहीं दूं तो भी बोलेंगे, तो प्रेम से ही सुन लूं तो फायदा है। यहाँ इमोशनल इंटेलिजेंस ज्यादा काम आता है। हर जगह आप देखेंगे कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज कहीं गड़बड़ा रही है, तो वहां एक भीड़ का क्रोध या द्वेष या एक अकेले व्यक्ति का क्रोध या द्वेष उस घटना का कारण बनता है। उस जगह में अगर उसको बाद में पूछा जाता है कि तू यू क्यों किया, वो कहता है कि भावना के आवेग में मैंने ये गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती की। आज मैं कहीं जगह पर प्रवचन देने जाता हूं, अभी फिलहाल इंदौर में भी जेल में प्रवचन देने गया था, कहीं अपराधियों से मिला तो उन लोगों की एक ही शब्द थी कि अगर वो एक क्षण का भावना का आवेग नहीं छेड़ता तो मैं ये हत्या नहीं करता, ये पाप नहीं करता, वो बाद में पछताते हैं। ये भावना पर कंट्रोल आ गया तो आप समझिएगा कि भावना का कंट्रोल आपके मन पर कंट्रोल करेगा, और जिसका मन कंट्रोल में रहेगा उसका शरीर एकदम स्वस्थ रहेगा, और जिसका मन और शरीर स्वस्थ है वो पूरा बलवान भी होगा, और उसका मन शरीर और बल तीनों एक हो जाए वो पूरी दुनिया पर राज कर सकता है। अगर दुनिया पर राज करना है तो भावनाओं पर राज करना बहुत जरूरी है। जिसके भावना पर राज करने की शक्ति आ गई, भाई जो मुंह में आया बोल दिया, जो मन में हुआ वैसे हम सामने वाले को हड़कार दिया, इसी कारण कई रिश्ते बिगड़ रहे हैं, कई रिश्तों में परेशानियां दुख आ रही है। और खास बात आज के युवाओं में मैं एक चीज देखता हूं, आज के युवाओं में भावना जो है मन में वही मुंह पर आ जाती है। पुराने जमाने के लोग सोच समझ के बात करते थे, सोच समझ के लोगों के साथ बर्ताव करते थे, समझ के साथ रिश्ते निभाते थे, कभी कभी घर में भी बात होती थी जाने दीजिए वो कैसे हैं तो क्या, हमको तो रिश्ता रखना है। आजकल तो ये जवाब आती है क्या जरूरत है उसकी, हम देख लेंगे, ऐसे आदमी से मेरे को कोई संबंध नहीं रखना है, उसके मुंह पर सुना के आऊंगा मैं। लेकिन मुंह पर सुनाते सुनाते अकेला वृक्ष कोई खड़ा हो जाएगा, वो वृक्ष कभी बगीचा नहीं बन सकता। यहाँ भावनाओं को संयमित करने की जरूरी को हर आदमी समझना चाहिए। इस बात को मैं अच्छे से कैसे कंट्रोल करें, क्या उपाय है, सफल कैसे बने, आगे के प्रवचन में समझाऊंगा। लेकिन एक चीज मुझे ये दिखती है, अब खास करके एक चीज दिखती है, मैंने कहा कि मन की शक्ति बहुत बड़ी है। हमने देखा कि पहले प्रवचनों में टीवी शो में लोगों ने स्पून स्पोर्क पकड़े थे और मुड़ो मुड़ो बोल रहे थे, और मन की एकाग्रता के बाद वो जड़ वस्तु भी मुड़ने लगे। एक्सप्लोरिंग द अननोन नाम के सीरियल को एक्शन चैनल ने टेलीकास्ट किया था, उस समय यह घटना हुई थी 2003 जनवरी 20 तारीख को, हमने वो देखा। फिर देखा कि कार्ल जंग नाम का व्यक्ति देखता है आदिवासी जब भी नाचते घूमते हैं, एक बाला लेके एक गोलाई को ऐसे छेदते हुए घूमते हैं तो उस जगह हर बार बरसात आती है। मन की इतनी बड़ी शक्ति है कि मन चाहे जो काम कर सकता है। उस मन की कंट्रोल नहीं होने के कारण, मन की व्यवस्था को हम समझ नहीं पाने के कारण, हम क्या है कि हम अपने पुस्तक के पढ़ाई को समझ चुके, स्कूल को समझ चुके, कॉलेज पढ़ाई को समझ चुके, घर गृहस्थी व्यापार को समझ चुके, स्वयं का मन कैसे काम करता है, स्वयं का श्वास कैसे काम करता है, अगर श्वास को कंट्रोल करें तो समृद्धि और सुख कैसे आ सकता है, मन को कंट्रोल करें तो समृद्धि और सुख कैसे आ सकता है, ये कभी समझा नहीं। अभी बोलूं तो देखने वालों को हंसी भी आ सकती है कि अरे श्वास से क्या समृद्धि आएगी, श्वास तो हवा है जिससे हम मात्र जिंदे रहते हैं। श्वास जिंदा रहने का साधन नहीं है, दुनिया में जो चाहो खींचो, अगर उसको खींचने का अगर कोई साधन है तो श्वास है। ये मैं आगे बताऊंगा कि श्वास कैसे समृद्धि को खींचता है, दुख को खींचता है। आप देख सकते हैं कि जब क्रोध आता है तो आपका श्वास बढ़ जाता है, एकदम तेज हो जाता है, अगर क्रोध आता है तो श्वास तेज हो जाता है, तो शांति आनी हो तो श्वास को कम करना पड़ेगा। क्रोध दरिद्रता है तो शांति समृद्धि है, जो शांत आदमी है वो सदा समृद्ध है। आपको देख सकते हैं कि इस दुनिया में जितने भी बड़े बड़े क्रांतिकारी झगड़े हुए हैं वो किसी गरीब वर्ग के द्वारा हुआ है, गरीब वर्ग झंडा उठाता है लड़ने के लिए, अमीर लोग कहीं झगड़ा होता है तो भी शांत घर में बैठे रहते हैं।
जो शांत बैठा रहता वो निश्चित, हम कहीं कोई लड़ाई होता अमीर लोग उसमें नजदीक भी नहीं जाते, हमको क्या करना पड़ा, चार गरीब हो तो उधर जाके खड़े हो जाते हैं कि ये क्या झगड़ा है देखो। यानी दरिद्रता क्रोध झगड़े का बहुत बड़ा संबंध है, शांति समृद्धि अमीरी का बहुत बड़ा संबंध है। शांति लाओगे तो अमीरी आएगी, ये कैसा टेक्निक है ये सब बाद में बताऊंगा, अभी तो खाली हम इन चीजों को मात्र सुनते जा रहे हैं, करते कब जाएंगे वो हम बाद में आपको समझाएंगे। लेकिन आज की तारीख में मुझे एक चीज दिखती है कि आज व्यक्ति जो युवा वर्ग है खास करके कुछ भी बोलने से शर्माते हैं मन की बात। जहां तक मेरे पास बहुत बड़ा युवा वर्ग आता है, हजारों की संख्या में युवाएं मेरे हर जगह पर दर्शन करने कार्यक्रमों में कहीं भी पहुंचते हैं, मैं देखता हूं कि युवाओं को आज पढ़ने की क्षमता बढ़ गई युवाओं की, और आज युवाएं विभिन्न प्रकार के चीजों को जानने में बहुत माहिर हो गए हैं। आज कोई भी एक मोबाइल दे दोगे तो उसका हर प्रकार का ऑपरेशन युवाओं का आता, हम लोग तो पुराने लोगों को कुछ उसका समझ ही नहीं आता। एक छोटा सा लड़का एक मोबाइल उठा के क्राफ्ट कर लेता है, कुछ शेयर कर देता है, कुछ चीजों को डाउनलोड कर देता है, नए ऐप को हम संभाल लेते हैं, ऐसे दुनिया भर का करता, हम कुछ नहीं कर पाते। लेकिन इतना करने वाले युवा लोग जहां जाके जो पूछना चाहिए, जिस जगह जाके के भाई मुझे ये पूछना चाहिए, उस जगह साथ खड़े रहते हैं। आज के तारीख में कई युवा अपनी दिल की बात खुला नहीं बोलने के कारण असफल रहते हैं। मैंने 90% युवाओं को ऐसे देखा है, और आज बड़े लोग भी जो असफल हैं, हम देखें कि ये एक दुनिया का गणित है। आपके जीवन में जो आपको प्राप्त होना है वो आप दुनिया से मांगो तो 20 लोगों से मांगो तो कोई 5 लोग या 4 लोग तो निश्चित सहयोग करेंगे, और वो 4 लोगों में ही आपकी जो जरूरत है वो पूरी हो जाएगी, और उन 4 लोगों को चुनने के लिए 20 लोगों को पूछना पड़ता है। जब भी जीवन में आपको कोई ना कोई चीज हासिल होनी है, ये जरूरी नहीं कि सब देंगे। एकदम गरीब लोग मेरे पास आके कहते हैं कि मैंने सब जगह से उधारी ले ली, आप तो मेरे को देख के तो ही लोग कतराते हैं, तो किससे मांगो। लेकिन ध्यान रखें, चीजों को मांगने की तरीके और चीजों को वापस लौटाने की ईमानदारी अगर मन में हो तो वो ईमानदारी काफी है। आज के तारीख में वो सुविधा आप में होना ये जरूरी नहीं है, आप ईमानदार हैं ये साबित कर दें तो कहीं ना कहीं किसी न किसी कोना में आपके दिल को समझ के आपका सहयोग करने वाला कोई ना कोई तो पैदा हुआ होगा जो आपका सहयोग करेगा। मैंने कई बार जीवन में देखा है कि मांगने से क्या नहीं मिलता, और ये भी देखा है कि नहीं मांगने से कई अवसर जीवन से हाथ छूट जाते हैं। एक बार मैं ऐसे ही कहीं जा रहा था, मैं देख रहा था कि बस स्टैंड में एक लड़का खड़ा हुआ बस के सामने, बस में कई यात्री बैठे हैं। मैं ये भी कई बार देखता हूं कि कार के सामने, बस के सामने कोई भिखारी या कोई बेचने वाला आता है, उस समय ही उन कार चलाने वाले या पास बैठे हुए यात्रियों के और बस में बैठे हुए यात्रियों के सिर एकदम सीधे हो जाते हैं, उस तरफ मुड़ते ही नहीं है, उस समय इनका सिर एकदम सीधा हो जाता है, भिखारियों की तरफ देखते ही नहीं। कोई पेपर न्यूज़पेपर बेचने वाले लोग ये ट्रैफिक सिग्नल के पास खड़े होते हैं, कोई ना कोई छोटे मोटे ये खिलौने वगैरह बेचने वाले होते हैं, मूंगफली पॉपकॉर्न बेचने वाले होते हैं, वो बेचारे इनको मांगने कह रहे हैं, अरे भाई आपको लेना नहीं है तो कम से कम मुझे नहीं चाहिए ऐसे तो कहो। लेकिन मैंने अच्छे से देखा कि उनकी बेचने की ताकत इतनी है कि इस चक्कर में आदमी मुंह ऐसे उल्टा नहीं करता है, क्योंकि उसको देख लेगा तो वो हर हालत में एक पॉकेट बेच के ही रहेगा। मैंने कई बार ऐसे सोचा कि ये व्यक्ति भिखारी को देख के मुंह ऐसा सीधा क्यों कर लेता है, क्यों ऐसे देखता क्यों नहीं है, बड़ा दयाहीन है। फिर मुझे मालूम पड़ा कि इस दुनिया में ये जो छोटी छोटी बिल चीज बेचते हैं ना, उनके पास जो ताकत है वो हम में आ जाए तो हम बड़ी बड़ी चीजें हासिल कर सकते हैं। मैंने उस बस स्टैंड में देखा कि एक व्यक्ति मूंगफली बेच रहा है, अधिक से अधिक वो बच्चा 14-15 साल का होगा। उसको देखते ही कहीं बस में रहे हुए जैसे मैंने बताया वैसे ही अलर्ट हो गए, एकदम ऐसे अलर्ट होके बैठ गए, बिल्कुल उसको देख ही नहीं रहे। अब ये बच्चा थोड़ा भी, क्योंकि कई लोग तो इन लोगों के हाथ लगाने से बड़े गुस्सा करते हैं, नाराज होते हैं, दूर जाए से, लेकिन उस बच्चे ने थोड़ा भी शर्म नहीं किया, मैं देखता ही रहा। ये बच्चा हर एक को यूं यूं खरोद रहा है,
उसमें चार छह तो देख ही लेते हैं भाई, सबको खरोदे तो भी नहीं देखे, ऐसे भी कुछ होते हैं। लेकिन बच्चे का बिजनेस टेक्निक समझाता है कि तेरे पास 100 पैकेट मूंगफली है तो तू 500 लोगों को छे, 100 लोग तो लेंगे। अब मैं देखता ही लगा, एक व्यक्ति उसको ऐसे ऐसे करने के बाद ऐसे देखा, वो बोलता है साफ साफ ये ले लो मूंगफली, बहुत बढ़िया गर्म गर्म मूंगफली, एकदम नमक लगाया हुआ, मसाला लगाया हुआ मूंगफली। वो बोलता है भाई अभी भूख नहीं, अभी लेना नहीं है, जाओ जाओ ऐसे। अरे एक पैकेट खा के तो देखो साहब, एक पैकेट लेके तो देखो, एक पैकेट आप लो, आपको मजा आ जाएगा, फिर मुझे वापस बुलाओगे आप। और ऐसी बातें करने लगा कि उस आदमी को आखिर 10 रुपया देके मूंगफली लेना ही पड़ा। और मैं इस चीज को देखने के बाद जो आनंद आया, थोड़ी देर में वही खड़ गया कि बच्चा क्या करता है। उम्र महज एक 14 साल का ही होगा, ये बच्चा हर जगह जाता है, कोई उपेक्षा करता है तो उस पर नाराज नहीं होता है, कोई लेता है तो खुश जरूर होता है। और हर जगह खड़ा हुआ कुछ न कुछ मूंगफली की महिमा गा रहा है, कुछ न कुछ गीत गा रहा है, मूंगफली के बारे में घड़ी घड़ी बोल रहा है। मांगा, और मांगने के बाद उसको जो मिला वो मूंगफली की ताकत से नहीं, निरंतर उसके बोलने की ताकत से हुई। मैंने पहले ही बताया भावना को संयमित करना कितना जरूरी है। अगर भावना आपके कंट्रोल में होंगे, आपका गुस्सा, आपका द्वेष, आपकी नाराजगी, आपकी सभी ईर्ष्या जलन आदि दुर्गुण कंट्रोल में रहेगी और बाहर दिखने में हरदम आप खिलते फूल की तरह रहेंगे तो दुनिया को कैसे राज कर सकते हैं, ये आगे देखेंगे अच्छे से। इसको कई उदाहरणों से समझाऊंगा और टेक्निक भी समझाऊंगा कि भावना को कैसे कंट्रोल में लाया जा सकता है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं बोलने की, मांगने की। आस्क आस्क आस्क, आज मांगो मांगो मांगो। पूरी दुनिया में शिक्षा दी जा रही है कि आपको जो चाहिए खुले मन से मांगो, जो आपको योग्य लगे उससे भी मांगो, जो नहीं दे सकता उससे भी मांगो, जिसके पास वो चीज नहीं है उससे भी मांगो। जब मांगते ही रहोगे तो प्रकृति से कहीं ना कहीं एक उपाय निकल के आएगा और आपका मांगा हुआ चीज आपकी जीवन में प्रकट होगा। मैंने और भी एक घटना देखी जीवन में, उस घटना को देखने के बाद मेरे को विश्वास हो गया मांगने वाले को क्या क्या मिलता है, मांगने वाले के जीवन में क्या क्या हो सकता है, ये मेरे दिल में एकदम फिट हो गया। वो क्या चीज है कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि मांगना सीखो जीवन में, बड़े प्रेम से मांगना सीखो, अधिकार से मांगना सीखो, वो चीज आपके जीवन में श्रेष्ठता लाती हो, संतोष लाती हो, आपके जीवन में उन्नति लाती हो, सफलता लाती हो, तो उस चीज को कहीं ना कहीं से मांगते रहो या उसको पाने का जो उपाय है उस उपाय की तरफ आगे बढ़ो। अगर उपाय को आप पकड़ नहीं पा रहे हैं तो जिनके पास वो वस्तु है जिससे आप सफल हो सकते हैं, वो ज्ञान हो, कोई साधन हो, कोई पैसा हो, कोई चीज हो, आप दिल से मांगिए। जब आप में ईमानदारी होगी और उस चीज को पाने की ललक होगी और पाके सफल होने की प्यास होगी तो निश्चित रूप से वो वस्तु आपके पास आएगी। मैंने क्या देखा और एक घटना, ये हम कल सुनेंगे, लेकिन आज जब काम की बात कर रहे हैं तो आज एक काम भी हमको साथ में करना है जैसे रोज करते हैं। तो आज का काम क्या है महाराज, देखो भाई अब रात के समय ये प्रोग्राम चल रहा है, अब मैं बोलूं मांगो मांगो, अब गली सब सुनसान हो गई, दुकान बंद हो गए, रिश्ते अपने घर में हैं और दुनिया अपनी मस्ती में है, तो अब आपको आज से ही मांगना शुरू करना। मैंने कह दिया मांगो, तो हम आज ईश्वर से मांगेंगे। आज के दिन में मैं जो काम आपको दे रहा हूं वो काम है, आपको ये कार्यक्रम पूरा होने के बाद जो भी आपको काम करना है वो भी पूरा होने के बाद, और कार्यक्रम देखना वो भी पूरा होने के बाद, क्योंकि फिर टीवी वाले बोलेंगे महाराज ये कार्यक्रम होने के बाद आप लोगों को काम दे दोगे तो हमारे दूसरे कार्यक्रम कैसे चलेंगे, इसलिए आपको जो देखना है जो करना सब कर लो। आपको जब सोना हो आराम से पलंग पर बैठो, शिथिल हो जाओ, आपके मन की जितनी इच्छा और लक्ष्य है उसको ईश्वर से आज दिल खोल के मांगो कि प्रभु मुझे समृद्धि दो, सुख दो, शांति दो, ईमानदारी दो, श्रेष्ठता दो, सफलता दो, सर्वोत्तमता दो, जो आप इस संसार में भरपूर रखे हो वो सब भरपूर सद्गुण समृद्धि श्रेष्ठता मुझे दो प्रभु, मैं आज
मांगने की शुरुआत आपसे करता हूं, हाँ जिंदगी भर आपसे मांगूंगा, समय पड़ता रहे तो इस संसार से भी मांगूंगा, ऐसे प्रार्थना करके सोएं, मांगने की शुरुआत करें और मांगी हुई चीज को पाके जीवन को धन्य बनाए। कि जो व्यक्ति अपनी मन की बात बोल नहीं सकता वो कहीं पहुंच भी नहीं सकता, यानी हमारी सभी कामनाएं हम हमारी शक्ति से हमारे प्रयास से पूरा कर लेंगे ये कोई जरूरी नहीं है। इस संसार में कई ऐसे काम होते हैं जो दूसरों के सहयोग से, दूसरों से जुड़ के, दूसरों के साथ पूरे होते हैं, ऐसे कई काम। अपने जीवन में एक शादी करने जाओ तो आप भारतीय संस्कृति एक हम शादी करते हैं तो पूरे रिश्तों को बुला के, रिश्तों को साथ जोड़ के शादी करते हैं। आज कई लोगों को मैं पूछता हूँ, भैया इस कार्यक्रम में आप दिखे नहीं, क्या बात है? भांजे की शादी थी महाराज, जाना पड़ता है, अगर नहीं जाएंगे तो कल वो हमारे कार्यक्रम में नहीं आएंगे। अब ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी जगह पर भी हम पहुंचते हैं तो कल वो पहुंचेंगे इस भावना से पहुंचते हैं, नहीं पहुंचेंगे तो कल वो भी नहीं आएंगे। इस भावना से हम हर क्रिया को, हर स्थान को महत्व देते हैं, लेकिन कभी ऐसा हो जाता है हम दुनियादारी में जितना महत्व देते हैं कि इधर पहुंचे नहीं तो वो नहीं पहुंचेंगे, इनसे बात नहीं करे तो वो नहीं बात करेंगे, लेकिन अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो बात जरूरी है उसको हम किसी तक पहुंचाए बगैर ही रह जाते हैं। कितने जी लोगों को मैंने देखा है, उनके जीवन में उनका जो सपना था वो उनके अंदर ही दबके रह गया, कभी किसी को बोले ही नहीं। इस समय में मुझे एक संत याद आते हैं, वो संत बहुत समय से मन में सोच रहे थे कि मुझे एक अच्छा सा विद्यालय खोलना है। वो संत मन में सोचते हैं कि ये विद्यालय खोलना है, रोज उसको मन में रटते हैं, रोज रटते हैं। फिर उनको लगा कि भाई इसको खोलने के लिए मेरे पास तो ताकत नहीं है, मेरे पास तो शक्ति नहीं है, मैं कैसे खोलूंगा। फिर धीरे धीरे उनके मन में आया कि इस विद्यालय में तो हजारों विद्यार्थी पढ़ेंगे, दुनिया को लाभ होगा, कई प्रकार की विद्या शिक्षा इधर से मिलेगी, ये मैं अकेला कर नहीं सकता तो क्या, क्योंकि कोई भी विद्यालय करने के लिए जो बल चाहिए या तो वो स्वयं में आ सकता है या समाज से आ सकता, मैं समाज से क्यों ना पूछो। तो उन्होंने पूरे समाज के लोगों को जोड़ करके अपने मन की बात उनके सामने रखी, और बात रखने के समय में वो इतने भावुक हो गए कि ये काम होने के बाद कितने विद्यार्थी लाभान्वित होंगे, कितनी शिक्षा का स्तर ऊंचा बढ़ेगा, इतनी सारी बातें करने लगे। अब ये बात करने के लिए उन्होंने जो तैयारी की थी लिख के स्क्रिप्ट, उसको भी भूल के चले गए थे वो भाषण के समय। जब वो वहां पहुंचे मंच पर तब याद आया कि मैं अपने स्थान से भाषण का कागज ही लेके नहीं गया हूं, लेकिन उनके अंदर वो भावना इतनी जबरदस्त घर कर गई थी, उस भावना को व्यक्त करने के लिए उनको कोई स्क्रिप्ट या लिखा हुआ पत्र का जरूरत ही नहीं पड़ा। वो बड़े आराम से अपनी बातों को लोगों के सामने इतने भावुक ढंग से रखे, वो बोले कि भाई कोई एक व्यक्ति सहयोग कर दे मेरा ये काम पूरा हो जाएगा। तो बहुत बड़े एक पैसे वाले व्यक्ति ने उनके सामने आके उनको कहा कि भाई कल सुबह आप मुझसे मिलिए, आपकी बातों को सुना तो मुझे लगा कि आप पूरे दिल से इस कार्य को करना चाहते हैं, तो ये कार्य करने के लिए जितना भी रुपया होगा मैं आपको सहयोग करूंगा, करोड़ों डॉलर से उस अमीर व्यक्ति के सहयोग से, लेकिन किसी संत के मांगने से जो पूरा हुआ वही आज में विश्व प्रसिद्ध अमेरिका इलिनॉइस यूनिवर्सिटी जो है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। वो अमेरिका की इलिनॉइस यूनिवर्सिटी को किसी संत के भावना ने, उनके अंतर की ईमानदार मांग ने पूरा कराया। आपका अगर मांग ईमानदार है, उसमें कोई तथ्य है और उसको मांगने का आपका तरीका सही है तो इस दुनिया को देना पड़ेगा, और वो दुनिया नहीं देगी तो प्रकृति को तो आपको देना ही पड़ेगा, उस मांग को पूरा करना ही पड़ेगा। और मैंने कल आपको प्रवचन में बताया था कि मैंने ऐसे मांगने वालों के कई टेक्निक जीवन में देखे हैं। हम जब बहुत छोटे थे बचपन में, भी एक घटना मेरे जीवन में सदा के लिए यादगार रह गई। हम किसी बस में जा रहे थे, वो बस बिल्कुल भीड़ से भरी हुई थी और भीड़ इतनी थी आप पूछिए मत के, वो भीड़ में कहीं घुसने ही जगह नहीं। मैं बैठा था पहले से ही तो मुझे सीट मिल गई थी, मैं बैठा था, अब कई लोग खड़े थे, भीड़ के कारण अंदर घुसने भी जगह नहीं मिल रही थी। तो इस भीड़ के अंदर एक व्यक्ति
तभी अंदर घुसा और इधर उधर सीट है क्या, सीट है क्या, तीन लोग बैठे हैं, तीनों का सीट है, तीनों भरा हुआ है, फिर भी सीट है क्या, सीट है क्या पूछते आ रहा है, सर सीट है क्या, सीट है क्या ऐसे पूछते आ रहा है। जो खड़े हैं वो इसको इस तरह देख रहे, अरे भाई सीट होती तो हम क्या खड़े होते, ऐसे वो यूं एकदम यूं तेवर दिखाते हुए उसको देख रहे हैं। ये तो अपना प्रयास छोड़ा ही नहीं, सीट है क्या, सीट है क्या। कई बार ऐसा होता है कि बसों में सीट पकड़ने के लिए या नीचे कोई चीज लाने के लिए कोई बस में सीट पकड़े हुए व्यक्ति कुछ ना कुछ वस्तु रख के फिर नीचे उतर जाते हैं, कोई कूल ड्रिंक पी के आते हैं, कोई सिगरेट पी के आते हैं, कोई क्या करके आते हैं, वापस बैठ जाते हैं। तो वो जो सीट पे रखी हुई वस्तु उनकी मानी जाती है, वो सीट उनकी मानी जाती है। ये हर जगह पूछते पूछते आ रहे हैं और लोग भी इसको घूर घूर के देख रहे हैं, भाई थोड़ा भी सीट होता तो हम नहीं बैठ पाते क्या, क्या तू ही बहुत बड़ा एक माइका लाल बन गया जो पूछ रहा है, इस तरह से उसको घूर रहे। लेकिन वो भी ऐसे ही हर एक सीट को पूछते आ रहा, सीट है क्या, सब सीट फुल है। हम लोग भी देख रहे, मैं बहुत छोटा था लेकिन ये चीज को अच्छे से मैं देख रहा था। उस समय देखते देखते देखता कंडक्टर के जो सीट होती है उसके पास दो सीट होती है, उसमें एक गमचा लगा, हमारे दक्षिण में ज्यादातर ऊपर एक गमचा डालते हैं और वही गमचा सीट पकड़ने के लिए लोग डाले रहते हैं। तो एक सीट पर गमचा लगा हुआ है, लोग सोच रहे हैं कि ये किसी ने गमचा डाल के नीचे उतर के कुछ लेने गया होगा, वो उसका सीट है। और दूसरे सीट में एक बुड्ढा बैठा हुआ है। अब वो बुड्ढा बैठा हुआ है, उस बुड्ढे को इसने उठाया, जो बुड्ढा एकदम नींद में ऐसे था, उस बुड्ढे को उठाने में भी इसको कोई शंका नहीं आई, भाई कोई सो रहा उसको कैसे उठा, उसको भचा करके उठा दिया और पूछता है कि भाई ये सीट है क्या। बुड्ढे ने ऐसे देखा, देखे तो देखा कि इसके जो कंधे का गमचा है वही नींद के झोंके में नीचे गिर गई और लोग सोच रहे हैं कि ये सीट कोई आदमी रिजर्व करके गया गमचा डाल के। जैसे ही ये पूछते गया तो वो डोकरा बोला कि भाई ये गमचा तो मेरा नींद में गिर गया, उठा के इधर कंधे में डाल दे, बोला ये सीट खाली है यहाँ बैठ जाओ। अभी उस बस में कम से कम 30-40 लोग खड़े हैं भरे हुए, जितनी बस की संख्या उतनी संख्या खड़ी है, वो सब खड़े मुंह देखते ही रह गए और इसको सीट मिल गई और एकदम सामने आराम से बैठ गया। तो ये किस कारण से हुआ आप सोचिए, किस कारण से हुआ, बचाओ बच्चों किस कारण से हुआ, पूछने से, मांगने की आदत जाती नहीं मैया, मांगने की आदत जाती नहीं, तेरे आगे मांगने में लाज आती नहीं, ओ मैया तेरे आगे मांगने में लाज आती नहीं। ये दो शब्द भजन के मुझे सदा याद रहते हैं और बचपन की ये घटना हर दम मेरे दिमाग में रहती है कि भरे बस में मांगने से सीट मिलने की शक्यता है। तो इस दुनिया में व्यवस्थित हम हमारी चीजों को समझा के आगे बढ़ने से, लोगों को जोड़ के चलने से, किसी न किसी के सहयोग को पाने से हमारे कर्म बड़े हो सकते हैं, हमको इस दुनिया में सफलता का सीट मिल सकता है। बस का सीट तो बहुत आसानी से मिल सकता है लेकिन मांगते मांगते सफलता का भी सीट जीवन में मिल सकता है। ये चीज उस घटना से मैंने समझा, तब से सोचा कि आप बेहिचक मांगिए, जिस चीज को मांगना है उसको बेहिचक मांगिए, मांगने में कसर मत रखिए, लेकिन इतना ही ध्यान रखिए कि मांगने वाले वस्तु को जिससे मांग रहे हो वो देने में सक्षम है, ये सा ध्यान रखिए। मांगने बोल दिया इसलिए जो आदमी खुद ही रोटी खाने में सक्षम नहीं हो और दुखी जीवन जी रहा हो उसके पास आप बड़ी कामना लेके पहुंच जाओगे तो उधर से कुछ मिलेगा नहीं, इसलिए मांगने का स्थान भी सही होना चाहिए कि हम मांग रहे हैं तो वो ये पूरा कर पाएगा क्या। उसके बाद में वो मना कर दे तो कोई बात नहीं, इस दुनिया में कितने लोग मना करते हैं इसकी आप चिंता मत करिए, आप मांगते रहिए, ईश्वर आपकी मांग में शक्ति हो तो किसी न किसी को भेजेंगे जो उस वस्तु को आपके हाथ में पकड़ाने वाला होगा, ये निश्चित बात है। इसलिए मांगने में पीछे नहीं रहना। देखिए हम कुछ ना कुछ तो जीवन भर, जैसे मूंगफली वाला मूंगफली की बात बोल के सब में मूंगफली बेच रहा है, सीट पकड़ने वाला कैसे भी सीट मिल जाए इस चक्कर में घूम रहा है, इस दुनिया में हर एक व्यक्ति
कुछ ना कुछ पाने के चक्कर में कुछ ना कुछ बेच रहा है, कोई मूंगफली बेच रहा है, तो कोई अपनी भावना बेच रहा है, तो कोई देखिए अभी लड़की देखने कोई आए हैं, अब वो लड़की देखने आए हैं, लड़की को वो देख रहे हैं, इतने में ही माँ बाप कह उठते हैं या अच्छे से गाना गाती है या अच्छे से एम्ब्रॉयडरी करती है, बहुत बढ़िया भोजन बनाती है साहब, कुछ न कुछ बोल के उस लड़की को सही स्थान पर भेजना है, तो वो अपने विषय को सामने रख के लड़की को प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी इस लड़की को एक अच्छा स्थान मिल जाए। इस दुनिया में देखो कोई भी ब्रांड, वो ब्रांड गली में कोई ना कोई एक बैनर लगा के बैठा है, भले ही वो साबुन हो के शैम्पू हो के कपड़ा हो के कोई वस्तु हो के वो सब कुछ ना कुछ उसके ऊपर लिखे होते हैं कि खुशबू ऐसा कि जीवन महक जाए। अब आप ही समझिए कोई साबुन की खुशबू से जीवन महक सकता है, शरीर महक सकता है, ये तो मानता हूं कि भाई किसी साबुन से इतने घंटे शरीर महक सकता है, दुर्गंध जा सकता, लेकिन लिखा है कि खुशबू ऐसा है जीवन महक जाएगा, हम सोचते ही नहीं कि भाई कोई जीवन महकेगा, लेकिन फटाफट दुकान में वो ब्रांड मांगने लगते हैं। यानी सही तरीके से किसी वस्तु को या श्रेष्ठ तरीके से भी ऊपर कोई ऐसी बात जो बोलने से दुनिया उसको पकड़ ले, तो दुनिया पकड़ने जैसी बात को आप पकड़ाओगे तो ये दुनिया उस बात को पकड़ के ही रहेगी। और आज की दुनिया में लोग किसी से बात करके दिल से मांगने में हिचकिचाते हैं, अब दुनिया बड़ा जेंटल हो गया है, और वो जेंटल दुनिया में कोई व्यक्ति सोचता है कि मेरे पूछने से वो मुझे क्या मानेगा क्या सोचेगा, अरे उसके सोचने से तेरे जीवन में सफलता नहीं होगी, उसके सहयोग से तेरे जीवन में सफलता होगी, तो सहयोग को पाने की कोशिश करना, उसका सोच कैसा हो तो हमको क्या चिंता करती है भाई, हम किसी भी व्यक्ति के सहयोग बगैर पूरे नहीं हो सकते, क्योंकि हम समाज के साथ जीने वाली प्रणाली वाले लोग हैं, हमको पूरा समाज चाहिए। संत भी कितनी भी साधना करें, एकांत हिमालय विंध्याचल आदि जंगल पर्वतों में तपस्या करें, लेकिन वो भी समाज के कल्याण के लिए करते हैं, अकेला संत भी समाज को मन में जोड़ के ही साधना करता है और आत्म कल्याण की साधना के साथ विश्व कल्याण की यात्रा करता है, तो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं इस दुनिया से जुड़ा हुआ है, और जुड़ा हुआ व्यक्ति दुनिया से मांगेगा नहीं तो नुकसान उसी व्यक्ति को होगा, दिल खोल के जो मांग लेता है और दिल खोल के वो पा भी लेता है। कई लोग शर्माते हैं मांगने में, लेकिन उन लोगों को ये पता नहीं चलता है कि कई बातें नहीं बोलने के कारण ही नुकसान में हो गई। मैं कई बार देखता हूं कि बड़े बड़े काम बराबर बोल नहीं पाने के कारण बिगड़ जाते हैं, अगर दिल से बोल दे तो एक सामने वाला या तो मानेगा नहीं तो नहीं मानेगा, गिरेगा तो फल गिरेगा नहीं तो अपना पत्थर नीचे ही गिरेगा, नुकसान क्या है उसमें। इसलिए भारतीय संस्कृति सदा कहती है कि आपकी दिल की बात को ईश्वर को बोलो। अब आप लोग देखे होंगे प्रार्थना नाम की एक चीज भारत में बहुत मजबूत है, बाद में कितने ही विदेशी धर्मों ने प्रार्थना को सामने रखा, लेकिन कराग्रे वसते लक्ष्मी करके हम शुरू करते हैं, तो प्रार्थना करते हैं कि मेरे घर में लक्ष्मी का निवास है, सरस्वती का निवास है, मेरे हाथ में किसका निवास है, हम देखिएगा हर एक से कुछ ना कुछ मांगते हैं, उसको हम प्रार्थना कहते हैं। हमारे भारतीय संस्कृति में प्रार्थना शब्द रखी शालीनता से ईश्वर के पास अपनी इच्छा व्यक्त करने को, आप देखोगे कि हम विभिन्न प्रकार की चीजों को प्रार्थना में जोड़ के हम प्रार्थना करते हैं। आप कोई भी देखिएगा वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि सम प्रभ निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, हम गणेश जी से मांगते हैं हे वक्रतुंड यानी जो टेढ़े सुंड वाले गणेश जी महाराज, महाकाय बड़े शरीर वाले महाराज, सूर्य कोटि सम प्रभा कोटि सूर्य के समान प्रभाव वाले महाराज, निर्विघ्नम कुरु मे देवा मेरा हर कार्य को सदा निर्विघ्न करो, कोई भी कार्य में कभी विघ्न न आवे, निर्विघ्नम कुरु मे देवा सर्व कार्येषु सर्वदा, मांगने में भी कितना टेक्निक है देखिए, मांगने में भी ऐसे मांग रहा है, एक ही बार बोल रहा है
वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नम कुरुमे देव सर्व कार्यसु सर्वदा। एक ही बार बोल रहा लेकिन सदा के लिए मांग लिया एक बार में, सर्व कार्यसु यानी मेरे जितने जीवन में जीवन भर काम होंगे सदा उसको आप निर्विघ्न करना। देखिए कितना मांगने में होशियारी, भारतीय संस्कृति का होशियारी। मेरे को इस समय में एक बात याद आता है, एक व्यक्ति भगवान की भक्ति पूजा की तो भगवान प्रकट हो गए उसके सामने। इस व्यक्ति ने भगवान की पूजा की, भगवान प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए, क्या मांगना भाई मांग, लेकिन एक ही चीज मांग सकता है। तो तुरंत इस व्यक्ति ने मांगा मेरे अपने सोने के महल में सातवें मंजिल में मेरे सातवें पीढ़ी के पोते को गोद में खिलाते हुए, अपने दांत से गन्ना चबाते हुए, उस महल को अपने आंखों से अच्छे से देखते हुए, बल पुष्ट होकर के सोने के कटोरे में मेरे सातवें पीढ़ी के पोते को दूध पिलाता रहूं, उस समय मेरे परिवार के हजारों लोग घर में आनंद से घूमते रहे, ये एक ही दृश्य देखना चाहता हूं महाराज, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये मांगा। देखो कैसा होशियार आदमी। ये कथा हर एक ने सुनी होगी, नहीं भी सुनी होगी तो इसने मांगा सबसे पहले सोने का सात मंजिला बंगला, वो बंगला पूरा सोने से मंडा हो क्योंकि स्वर्ण महल ऐसे मांग लिया, उसमें भी सातवें मंजिल में बैठा रहना मुझे, यानी सात मंजिल उसके रहेंगे, ये भी उसने मांग लिया। सातवें पीढ़ी का पोता यानी इसका उम्र कितना होगा, जब इसका बेटा होगा उसका पोता होगा, उसका पोता होगा उसका पोता होगा, उसका पोता होगा उसका पोता होगा उसका पोता होगा, तब सातवें पीढ़ी होगी, तब तक ये जीवित रहेगा, आंख भी अच्छे रहेंगे, दांत से गन्ना चबाता रहेगा, यानी दांत भी मजबूत रहेगी, आंख से महल को देखेगा, बच्चे को खिलाएगा, हजारों परिवार रिश्ते वाले घर में रहेंगे, यानी परिवार वाले कितने हो जाएंगे और महल कितना बड़ा होगा, उसमें सब आनंद से रहेंगे, वो भी मांग लिया। एक चीज मांगा और उस एक चीज में क्या क्या नहीं मांगा, देखिए ये मांगने की जो कला है इसको भारतीय संस्कृति ने कभी मनाई नहीं किया। कई बार संतों से ये प्रश्न उठा कि परब्रह्म से ईश्वर से मांगना सही है या नहीं, ईश्वर से मांगना सही है, उनसे जो सर्वज्ञ है सब कुछ जानते हैं मुझे क्या देना वो जानते हैं, क्योंकि आज भी ये एक विवाद चलता है, कई संत कहते हैं कि मांगो मत ईश्वर सब जानता है, जो तुमको देना वो स्वयं देगा। कुछ एक संतों की टोली कहती है मांगिए, मांग के ईश्वर के चरण में भक्ति कीजिए और अपनी इच्छा को उनके सामने व्यक्त कीजिए। तो समाज हरदम ये कंफ्यूज रहता है, हरदम ये सोचता है कि मांगना चाहिए या नहीं, ये गड़बड़ हरदम रहता है। इसका जवाब शास्त्र क्या कहता है, शास्त्रोक्त इसका जवाब क्या है, ईश्वर से कैसे मांगे, क्या मांगे, क्यों मांगे, मांगे या नहीं, क्योंकि हरदम हम कुछ ना कुछ कुल देवी से, घर के देवताओं से, कृष्ण से, शिव से, शंकर से, महावीर से, पद्मावती से, दुनिया बुद्ध से, नानक से मांगते ही रहे हैं, हम मांगने के आदत वाले। तो इसके बारे में हम कल सुनेंगे, हम इसके बारे में कल सुनेंगे। तो आज क्या करें महाराज, तो आज ये काम जो रोज हम ये काम करते हैं, आज का काम ये होगा, जब आप सोने जाओ उसके पहले एक कलम और पेपर जरूर लो, कहीं से भी ढूंढ निकालो, कोई भी रंग का कलम हो तो चलेगा, काला नहीं हो तो ज्यादा चलेगा, हरा हो तो चलेगा, लेकिन उस पर दिमाग मत लगाइएगा, जो मिला उसको लीजिएगा, हरा मिले तो ज्यादा अच्छा, कलम और कागज लीजिएगा। आपके मन की इच्छा को ऊपर आप लिखिए, हे ईश्वर हे प्रकृति, ऐसे लिखिए, हे ईश्वर हे प्रकृति, नीचे आप हर इच्छा अपनी लिखिए, ये मुझे आप प्रदान करें, नीचे ऊपर हे ईश्वर हे प्रकृति लिखें, नीचे आप अपनी इच्छा पूरी लिखिए, ये आप मुझे प्रदान करें, ऐसे लिख के आपके घर में जहां देवी देवताओं की उपासना करने का स्थान है, जहां देवी देवता का पूजा का स्थान है, कोई फोटो हो उसके चरण में रख दीजिए, ऐसा आप कोई स्थान नहीं रखते हैं घर में, तो इस पत्र को आप अपने तकिए के नीचे रख के सो जाइए, क्योंकि आपके अवचेतन मन में आपके आत्मा में ईश्वर का निवास तो निश्चित रूप से है। एक पराशक्ति जो हमको चला रही है वो इस शरीर में पूर्ण रूप से सर्वोत्तम व्याप्ति है, तो तकिए के नीचे रख लीजिए, अगर देवस्थान है तो वहां ये कागज को रख दीजिए और आज ईश्वर से मांगना शुरू कीजिए और
प्रभु जब देंगे तो संसार से ज्यादा ही देंगे, ऐसे मैं निश्चित मानता हूं। कल मिलेंगे। जय मां भगवती।